नमस्कार, डिश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। दुनिया की सबसे खूबसूरत जासूस मार्गरेथा गर्ट्रुइडा जेली उर्फ माता हारी ने 20वीं सदी में यूरोप समेत पूरी दुनिया में ऐसा नाम कमाया कि उसकी मौत के 100 साल बाद भी लोग उसकी चर्चा करते हैं। जानिए आखिर कैसे हुई तो वो प्रसिद्ध और क्यों उतारा गया था उसे मौत के घाट। वो खूबसूरत थी, फेमस थी, समाज के रीति रिवाजों के परे जाने का शौक था और यही वजह थी कि वो लोगों की नजरों में आ गई, जिसके बाद उसकी जिंदगी ऐसी बदली कि उसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत जासूस मार्गरेथा गर्ट्रुइडा जेली उर्फ माता हारी की, जिसने 20वीं सदी में यूरोप समेत पूरी दुनिया में ऐसा नाम कमाया कि उसकी मौत के 100 साल बाद भी लोग उसकी चर्चा करते हैं। माता हारी का जन्म 1876 नीदरलैंड में हुआ था। बचपन तो अच्छा ही बीता था, मगर माता पिता के तलाक और फिर मां की मृत्यु ने उसे हिलाकर रख दिया था। यही वजह है कि उसकी कम उम्र में एक नीदरलैंड के फौजी से शादी कर दी गई थी, जो उम्र में उससे बड़ा था। वो उस दौरान इंडोनेशिया में तैनात था, इस वजह से माता हारी उसके साथ कुछ वक्त तक वहां रहने के लिए गई। उनके दो बच्चे हुए, पर पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ने लगे। इसी दौरान पति को सिफिलीज नाम की बीमारी हो गई और वो बेटे को भी लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। दोनों नीदरलैंड लौट आए और वहां तलाक ले लिया। माता हारी अकेले गुमनामी में जिंदगी नहीं बिताना चाहती थी, इसलिए वो फ्रांस आ गई और इंडोनेशिया में कुछ वक्त तक रहने की वजह से उसने अपने लिए एक एशियाई नाम माता हारी चुन लिया। वो मार्गरेथा वाली जिंदगी को पूरी तरह खत्म कर देना चाहती थी। उसने बतौर डांसर और स्ट्रिपर काम करना शुरू किया। 1905 में जब पेरिस में उसका पहला परफॉर्मेंस एक हॉल में हुआ तो उसे देखने पेरिस के कम 600 रईस लोग शामिल हुए थे। उसके छोटे कपड़े, खूबसूरत चेहरा और आकर्षक रूप देखकर मर्द उस पर लट्टू हो गए। देखते ही देखते उसे खूब पैसे मिलने लगे और यूरोप के तमाम बड़े देशों की राजधानियों में माता हारी की परफॉर्मेंस का आयोजन होने लगा। इसी दौरान उसकी पहचान कई रसूखदार लोगों से होने लगी। मिलिट्री के अधिकारी, व्यापारी, सरकारी कर्मी उसके क्लाइंट भी बनते और चाहने वाले भी। वो उनसे पैसों के लिए शारीरिक संबंध बनाने से भी नहीं हिचकती। पर उसकी जिंदगी तब बदली जब उसे एक रूसी सैनिक से प्यार हो गया, जो पहले विश्व युद्ध में फ्रांस की तरफ से लड़ाई लड़ रहा था। वो अपने नए आशिक के साथ घर बसाना चाहती थी, जिसके लिए उसे काफी पैसों की जरूरत थी। उसी वक्त एक फ्रांस की सेना के खुफिया विभाग के अधिकारी ने माता हारी को विश्व युद्ध में जर्मन सेना की जासूसी करने के लिए नियुक्त कर लिया। उसे जर्मनी भेजा गया, जहां उसने कई लोगों से पहचान बनाई और अपने हुस्न के जाल में फंसाया। उनसे कई गोपनीय जानकारियां निकालकर फ्रांस को सौंपी। हालांकि इसके बाद माता हारी की कहानी में दो मोड़ आ गए। कई रिपोर्ट्स का दावा है कि उसे जर्मनी की तरफ से 20,000 फ्रैंक दिए गए थे, जिससे वो उनकी एजेंट बन जाए और फ्रांस की गोपनीय जानकारियां उन्हें दे। इसी आरोप के बाद फ्रांस के खुफिया विभाग के अधिकारी ने माता हारी के ऊपर डबल एजेंट बनने का आरोप लगा दिया और उन पर देश को धोखा देने का आरोप लगा। हालांकि पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और माता हारी की बायोग्राफी लिखने वाली लेखिका पैट शिपमैन ने दावा किया कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। वो जासूस नहीं थी, बलि का बकरा थी। उन्होंने फ्रांस को जर्मनी की खुफिया जानकारियां दी, पर फ्रांस के अधिकारी ने वादे के मुताबिक उन्हें पैसे नहीं दिए। दूसरी ओर उन्होंने जर्मनों से पैसे तो लिए, पर उन्हें फ्रांस से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मुहैया करवाए। माता हारी को फ्रांस के अधिकारियों ने इस वजह से फंसाया क्योंकि देश काफी वक्त से विश्व युद्ध में लड़ रहा था और सैनिकों के साथ साथ राष्ट्र के लोगों का मनोबल गिरता जा रहा था। उसे उठाने के लिए एक गद्दार का चेहरा सामने लाना था, जिसके खिलाफ देश एकजुट हो जाए और उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जाग जाए। बस यही वजह है कि माता हारी को बलि का बकरा बनाया गया और उन पर 50,000 फ्रांसीसी सैनिकों की मौत का इल्जाम लगा दिया गया। उनकी मौत बेहद दर्दनाक हुई। 15 अक्टूबर 1917 को उन्हें फ्रांस के सैनिकों ने गोलियों से भूनकर मार डाला।